पर धर्म संबंध इतने स्वाभाविक ही नित्य था, तो बोलते हैं कि प्रत्येक में जो बोधात्मा तेरह बनी निहित है और बोधात्मक जो है बुद्धि में प्रत्येक निमित्त है। बोधात्मक में बुद्धि धर्म बोध आत्मा, इनमें बुद्धि के जो धर्म है बुद्धि युक्त साक्षात बुद्धि सिद्धांत बुद्धि, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कूटस्थ बोध प्रत्यक्षम अनिमित्तम सदात्मन बोधिता हंत हंतो हेतु प्राभ्यम तुम्हों पर लक्ष्य थे। यही बात तो हमने पहले कही थी, कूटस्थ बोध जो है कूटस्थ बोध और प्रत्यक्ष आत्मा का निर्मित है और बोधिता और अहंता दोनों मिली हुई है, उनमें बोधिता हंतुर बोधिता जो है अहंता और कूटस्थ दोनों के हेतु से है। अहम में बुद्धि की अहंता भी मिली हुई है और कूटस्थ का चैतन्य भी मिला हुआ है, तो वो बुद्धि के निमित्त से है। इसलिए प्राभ्याम तीनों को लक्ष्य थे, बोधिता हंत हेतु प्राभ्याम उन दोनों का उसके द्वारा उपलक्षित होता है। ये बोला उसका अर्थ बुद्धिता श्रोति साध्य एवं तो बुद्धि अभी बोधिता हंत अभिधाना आत्मनस्त अनुपलक्ष अनुपलक्षित वास्तव वास्तव प्रत्यक्ष जो सगल स्थित हम पर वास्तव बुद्धि से बोधात्मता बोधात्मत्वादि धर्मत्व तत्सम्मतम इति नास्मि स्वेच्छया कल्पितम् इति भाव एवं च ब्रह्मादि कुलस्यापि सर्वे संगति अभिज्ञा अस्ति द्रष्टव्यम्। तो ये बोले कूटस्थ बोध प्रत्यक्ष निमित्तम अनिमित्तम तदात्मना तदात्मना सत आत्मा जो है उसमें कूटस्थ बोध और प्रत्यक्ष बिना किसी उपाधि के, और जो बुद्धि है उसमें बोधिता और अहंता ये दोनों सोपाधिक हैं, अंतःकरण के कारण है। इन दोनों से वो उपलक्ष कूटस्थ बोध और प्रत्यक्ष उपलक्षित मन लक्षित होता है। मधुरात्मा सदास्थित सदात्मन परमार्थ से अस्तित्व स्वभावतो बुद्धूताया प्रकृताया बुद्धे बोधिताया आत्मना कूटस्थ बोधो हेतु वहनीयवासी उद्दिताया
तथा चात्र प्रत्यक्षता पराशीलता प्राचीन प्रागभावितूपया बुद्धिहंता हेतु तेन हेतुहेतुन भाव संबंधेन बुद्धिगत बोधिता अहंता अभ्याम आत्मा रक्षते तथा चात्मा प्रत्यक्षता पराशीलता प्रागभावितता प्रागभावितूपया बुद्धिहंता हेतु तेन हेतुहेतुन भाव संबंधेन उज्ज्वल बोधिता हंता भ्रम आत्मा रक्षते ठीक है। तदेव बुद्धि विशिष्ट तत्परवाच्य लक्षणत्म केवल लक्ष्यत्वपूर्ण बुद्धि के उदाहरणत्व धर्मत्व हो गया लोग ये बताया कि बोधात्मत्व निर्निमित्त प्रतीचो बोधात्मत्व तन्निमित्त के बुद्ध बुद्धे बोधात्मत्व बुद्ध धर्म के बुद्धे रुक्ते साक्षात वेद सिद्धांत बुद्धि। यहां ये बताया कि जो प्रत्यक्ष आत्मा है उसमें बोधात्मकता और प्रत्यक्षता स्वाभाविकी है और स्वाभाविकी होने के कारण निमित्त है, किसी उपाधि से नहीं है, इसलिए वो सदा रहेगी। और बुद्धि में जो प्रत्यक्षता है या बोधिता है ये आत्मा के निमित्त से है। जैसे अयोधात लोहा जलाता है, लोहे को आग में तपाकर रख दिया जाए तो जो भी वस्तु लोहे से छुएगी वो जलेगी। तो ये कहेंगे भाई लोहा जलाता है, लोहा नहीं जलाता, उसमें जो दग्धित्व है उसका स्वाभाविक नहीं है। वो दग्धित्व स्वाभाविक अग्नि का है, उसके संपर्क से इसमें भी दग्धित्व आ गया। ऐसे ही बुद्धि में अहंता में बुद्धि का ही एक वृत्ति अहंता भी है, जिसको हम लोग अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार यहां पर अंतःकरण का एक अंत अहंकार भी होता है। तो जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है वो आत्मा के संबंध से है, क्योंकि वृत्ति में जो प्रकाशकता है वो आत्मा के चैतन्य से है। चैतन्य का उसमें आभास है, उस आभास के कारण उसमें प्रकाशकता आई है। तो उसको लेकर और